नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रावतपुरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश विद्यार्थियों को परीक्षा से कर रहा है वंचित। विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिए जा रहे हैं, जिसके चलते विद्यार्थी आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्रकूट के कार्यकर्ता जब विद्यार्थियों की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन विश्वविद्यालय के गेट पर चस्पस कर दिया है तथा विश्वविद्यालय को बंद का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तो इस विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के सभी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के पास सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, छात्रा है या छात्राएं हैं या छात्र हैं, वो यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की गतिविधियों के कारण कि वो आत्मदाह भी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके विषय में सूचना किया कि उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा, उनको परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। कारण यह है कि उनकी कुछ फीस की राशि बची हुई है जो उन्होंने अभी तक जमा नहीं की। उन्होंने इसके लिए सूचना लिखित तौर पर भी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को करी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन पर ध्यान न देते हुए लगभग 15 से 20 छात्र ऐसे हैं जिनको परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया, और उन सभी छात्रों के कल से परीक्षा प्रारंभ है, जिस कारण से वो परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे और उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो वो लिखित तौर पर हमारे संगठन के पास ये सूचना लेकर आए कि हम अपना आत्मदाह कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे या सुसाइड कर लेंगे, ऐसी जानकारी। इस कारण से हम लोग यहाँ आज धरने पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनता तो हम अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बंद करेंगे, धरना देंगे, जो भी अपने संगठन से मुमकिन कार्य हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। बिहार राज्य के मधुबनी जिले के खुटौना पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग। आग लगने से एक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि पावर हाउस कर्मी भी आग को बुझाने में असफल रहे। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आप ब्लास्ट हो गया वो भाई, सही में बोल रहे हैं, वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो